रुपीज SRF 18 रुपए में खरीदा हुआ है? हाँ जी, 18 रुपए में खरीदा हुआ है कब खरीदा है? ये, इट वॉज अ गिफ्ट। अरे वाह, अब सवाल क्या है फिर? गिफ्ट रखना चाहिए कि मुनाफा बांधना चाहिए, ऐसा जी कुछ? हाँ, ये पूछना था कि शुड आई कीप दिस या फिर इसको निकाल दें, किसी और चीज में इन्वेस्ट करें। किसने दिया था गिफ्ट? मेरे चाचा ने। गजब चाचा है, चाचा जी ने गजब कर दिया है भाई, ये इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता। और अगर ऐसा चल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। सतपुत्र साहब क्या करें, ये गिफ्ट रख लें या कुछ मुनाफा बांध लें? आशीष जी, मैं चेक कर रहा था कि कब था ये, इसका अठारह भाव मुझे रुपये लगता है हाँ 2010 वाली, 2010 का टाइम था वो। तो आशीष जी, मुझे लगता है काउंटर अभी भी अच्छा है। काउंटर ये एक आप कह सकते हैं कि एफर्नो वाला काउंटर है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग मुनाफे पे बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि 18 रुपए के लिए कितना क्या करना है, कितना मारामारी करना है। सो आई थिंक शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लगता है कि SRF में एक 2400 का सपोर्ट बनेगा, बेस बन रहा है। वोलेटिलिटी होगी बाजार में, उठा पटक होगी, ये 2400 भी टेस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल काउंटर में बने रहना ही ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है इसका जो टारगेट दिखता है वो 2800 से 3000 का होना चाहिए। बट उसके लिए वक्त है, उसके लिए टाइम है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है इतना अच्छा काउंटर है, आप बने रहे। काउंटर है, सॉलिड पेडिग्री, बहुत बढ़िया एक्विजिशन कॉस्ट है, काहे जल्दी? अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है नया मैम, तो रखिए स्टॉक को। ये भोपाल